हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आई अरविंद कुमार सिंह वेलकम यू ऑल ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आवर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर, सो आई हैव प्लान टू जस्ट रिवाइव सर्टेन चैप्टर्स, सो वी आर ऑन अ क्विक रिवीजन नाउ। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर क्लाइमेट एंड वी आर ऑन द सेकंड चैप्टर दैट इज द सॉइल। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप वहां से जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो अपना चैप्टर नंबर सेकंड है द सॉइल। कौन सा चैप्टर है? सॉइल। तो अब यहां देखें, यहां हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब हम उसको बहुत डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हम उन्हीं पॉइंट्स को टच करेंगे जहां से अपना एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप मैंने जिसको यहां पे मैंने बोर्ड पे लिखा है और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको जरूर याद रखें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉइल। सॉइल क्या होता है? सॉइल इज अ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इजंट इट? देयर आर मेनी नेचुरल रिसोर्स बट अमंग देम सॉइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज फॉर्मड वेरी स्लोली। यानी सॉइल सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है जो सबसे धीरे बनता है। अब देखिए इसको, अगर आप सॉइल इज फॉर्मड बाय वेदरिंग अप ऑफ द रॉक, हमने लोअर क्लासेस में पढ़े थे कि सॉइल कैसे बनता है, जो बड़े रॉक है ना उनके टूटने से छोटा रॉक बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल। अब यहां देखें, सॉइल इज अ थिन लूज मिक्स। देखो क्या है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। बोल रहा है कि जो पतला लेयर है ना अर्थ सरफेस पे, थिन लेयर किस चीज का? स्मॉल पार्टिकल्स का। उसके अंदर दो पार्टिकल्स होंगे, एक होगा आपका और इनऑर्गेनिक एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक मैटर और सेकंड है आपका ऑर्गेनिक मैटर। अब इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर अगर हम सोचे कि क्या आता है तो देखें, उसके अंदर आएगा सिलिका, क्ले एंड सैंड, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। मिनरल्स भी सारे इसी के अंदर आएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे इसी के अंदर आएंगे, आयरन हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक वर्ड, ऑर्गेनिक वर्ड जैसा कि ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ही होता है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक मींस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब इट इज आइदर डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। यानी या तो प्लांट का डेड रिमेन होगा या तो एनिमल का। इसको हम दूसरा नाम देते हैं ह्यूमस। क्या नाम देंगे? ह्यूमस। ह्यूमस इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी जो ह्यूमस है ना वो सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो किसी सॉइल में अगर आपका ह्यूमस नहीं है तो आप उसको फर्टाइल सॉइल कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। सॉइल इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस, सिलिका, क्ले एंड सैंड। दिस इज डन। फर्टाइल शुड हैव सर्टेन सी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें या कोई ने क्वेश्चन पूछा कि या आपके खुद दिमाग में आया कि कौन सा सॉइल को हम फर्टाइल बोलेंगे और किसको नॉन फर्टाइल बोलेंगे, होना चाहिए ना कुछ क्राइटेरिया, तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसे देखो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। फर्स्ट, इट शुड हैव एडिक्वेट मॉइस्चर। सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी फर्टाइल, यानी सॉइल फर्टाइल तभी माना जाएगा जब उसके अंदर पर्याप्त नमी है। पर्याप्त नमी नहीं होगा तो प्लांट सूख जाएगा, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड फर्टाइल। ओके, सेकंड डेप्थ। डेप्थ का मतलब उसके पास सॉइल के मिट्टी का पर्याप्त डेप्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें नीचे आ गया आपका पत्थर, कंकड़ हो गया तो वहां प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। सो डेप्थ इज ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट शुड बी रिच इन एनपीएनके। एनपीके यही डाई जो आप फर्टिलाइजर खरीदते हो ना उसके बोरी पे लिखा होता है, सैक पे लिखा होता है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। अगर उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है दैट इज बेस्ट सॉइल। इफ नॉट, अगर नहीं है, हम उसको बाहर से ऐड करते हैं खाद डाल के उसमें, ठीक है। एंड लास्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल। ह्यूमस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, अदरवाइज दैट सॉइल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी बेस्ट सॉइल। आगे बढ़े। नाउ द टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो, सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी सपोज करो हमने पढ़ा है सॉइल इज फॉर्मड बाय वेदरिंग अप ऑफ द रॉक। मान लो ये रॉक हो गया, अब यहां वेदरिंग हुआ, ठीक, वेदरिंग हो रहा, इसके वेदरिंग से इसका जो आउटर लेयर है ये टूटेगा और नीचे गिरेगा और यहां पे क्या बनेगा? सॉइल, ठीक। अब ये सॉइल बना, ये जो पैरेंट रॉक है उससे टूट के यहीं पे सॉइल गिर गया, यही सॉइल बना। सॉइल इज फॉर्मड बाय वेदरिंग और ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक, इसके टूटने से सॉइल बना। अब ये सॉइल यही है तो इसको आप बोलोगे इन सीटू। क्या बोलोगे इसको आप? इन सीटू, या रेसिडुअल सॉइल, या हवा या पानी से ये सॉइल बह के कहीं और चला गया और वहां जाके डिपॉजिट हो गया,
तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्टेड और इक सीटू सॉइल। क्लियर? एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछेगा इन सीटू या रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल कौन हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। और इक सीटू, इक सीटू का मतलब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स का आप नाम बताएं। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स का नाम हो सकता है आपका जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, हवा से भी मिट्टी बह जाएगी, पानी से भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, हवा से उड़ के चली जाएगी और पानी में वो बह के या सोल्यूशन फॉर्म में चली जाती है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एजेंट्स विच कॉज सॉइल इरोजन, सो इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल। इसका एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, डेफिनेशन भी पूछेगा, तो आप बोलेंगे विच इज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन। ठीक, ये इट इज ट्रांसपोर्टेड, बना कहीं, टूटा कहीं और चट्टान से, लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और चला गया। तो एलुवियल सॉइल है, यही पूरे भारत में सबसे ज्यादा 40% यही सॉइल मिलता है एलुवियल सॉइल्स। ये एलुवियल सॉइल्स हम सेपरेटली डील करेंगे इसको, इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड देन लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देखो यहां कितना है, ओरिजिन, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, यानी इतने सारे बेसिस पे अगर आप सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। यहां पे देखो लोकेशन के बेसिस पे था, लोकेशन के बेसिस पे इन सीटू इक सीटू, ठीक है ना, रेसिडुअल ट्रांसपोर्टेड। अब देखो यहां पे जैसे हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, सॉइल इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 बाय आवर सिलेबस। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइल सॉइल। टू द पॉइंट बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ह्यूमस पूछ सकता है आपके लिए, फिर ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, और ये स्टार मार्क लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन होगा इन सीटू सॉइल क्या है, इक सीटू सॉइल क्या है। ठीक है, इन सीटू का मतलब जहां वेदरिंग हुआ वहीं वो सॉइल है, जैसे डेकन प्लेटू का ब्लैक सॉइल, डेकन प्लेटू से टूटा वो सॉइल, वहां जो वोल्केनिक रॉक्स थे वहीं आज तक पड़ा हुआ है, दैट इज इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स, ये रिवर्स जब फ्लड आ रहा है, मान लो अभी बहुत तेज फ्लड आया, तो उसके उस फ्लड के मिट्टी में जो ब्राउन कलर का वाटर होता है ना, उसके अंदर बहुत गंदगी होता है, वो गंदगी क्या है, कोई सॉइल है। अब फ्लड आया, उसके अंदर जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी ना, वो बह के आई, फ्लड चली गई ना, तो वो मिट्टी वहीं पे छोड़ गई, उसको आप क्या बोलते हो, एलुवियल सॉइल। क्यों, वो तो ट्रांसपोर्ट होके आया ना कहीं दूसरी जगह से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इन सीटू का एग्जाम्पल ब्लैक, रेड, लेटराइट और डेजर्ट सॉइल्स है, और इक सीटू दूसरी जगह जाने वाले का एग्जाम्पल है, दूसरी जगह बनने वाले सॉइल का एग्जाम्पल है एलुवियल सॉइल। क्लियर? सो आई होप दिस इज डन। नाउ कौन सा सॉइल, एलुवियल सॉइल, हमने इससे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले डील किया, सीधे स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल। सो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इसमें कवर अप कर लेंगे। ओके, बस ये 8-10 पॉइंट है, इसी में से क्वेश्चंस होते हैं। सो द फर्स्ट इज, हम देख लेते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। द सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड बाय द सेडिमेंट्स, यानी ये सॉइल बनता कैसे है, सेडिमेंट्स से, ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, यानी मान लो रिवर्स जब जहां फ्लडेड क्षेत्र है, जहां बाढ़ आ गया, तो वहां पे जो रिवर्स आए और जो अपने जो मिट्टी छोड़ के गए ना, सेडिमेंट्स बोलते हैं उनको, उनके डिपोजिशन, यानी मान लो फ्लड आया, बाढ़ आई, फिर वो बाढ़ चली गई, तो जो हम मिट्टी छूट गया ना, उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो सॉइल छूट गया है उसी को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। डन। अब एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियम क्या है, एलुवियम यानी जो वाटर आया, फ्लड वाटर, उसके अंदर जो मिट्टी है ना, उसको एलुवियम बोलते हैं। देखिए उसको क्या लिखेंगे, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डिपोजिटेड बाय द रिवर, यानी वो मिट्टी जो रिवर वाटर नीचे छोड़ के चला जाता है, उसको आप एलुवियम बोलते हैं, वही सबसे फर्टाइल होता है। एलुवियम सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यानी इससे अच्छा फर्टाइल सॉइल कोई नहीं है, अब याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ रिवराइन सॉइल, वाई, यानी एलुवियल सॉइल को हम रिवराइन सॉइल क्यों बोलते हैं, वेरी इजी, बिकॉज इट इज फाउंड इन द रिवर बेसिन्स, यानी ये रिवर बेसिन्स में मिलती है सॉइल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवराइन सॉइल बोलते हैं। रिवर बेसिन्स यानी वो पूरा क्षेत्र, जैसे मान लो कोई मेन ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ये नदियां आगे मिली मेन रिवर से, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, आप इसको सबको क्या बोलोगे, रिवर बेसिन बोलोगे। ठीक है, जहां तक उसका वाटर का रीच है वहां तक उसको आप क्या कंसिडर करोगे, रिवर बेसिन। नेक्स्ट लोम, अगला एक वर्ड है, लोम क्या है, लोम इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, यानी लोम के अंदर क्या होता है, सैंड होगा, क्ले होगा और
सिल्ट होगा। एल्यूवियल सॉइल में ना सैंड का मात्रा अधिक होती है, अमाउंट ऑफ सैंड इन दिस एल्यूवियल सॉइल इज मोर। ओके, क्ले एंड सिल्ट। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोम कहां मिलेगा आपको, इन द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज। यानी ये आपको अगर हम बात करें एल्यूवियल सॉइल इट इज एसोसिएटेड विद द रिवर्स, तो जहां जहां रिवर्स है ना, जैसे रिवर इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, या रिवर गंगा, कोई भी रिवर्स है उनके बेसिन में ये मिलेगा आपको। नाउ अब इसकी बात करें डेल्टास, यानी कहां किस 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 रिवर्स के डेल्टास में मिलता है, तो डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो डेल्टास उन्हीं रिवर्स के, वही रिवर्स फॉर्म कर सकते हैं विच आर लॉन्ग, यानी जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हैं और जिनका स्पीड ओशियंस में गिरने से पहले क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उनके अंदर जो सिल्ट होता है ना उसको वो डिपोजिट करके क्या बना देते हैं, डेल्टास। तो शॉर्ट और स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते हैं, नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाएंगे। बाकी जो इधर के रिवर्स है, जैसे देख रहे हैं आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स बनाते हैं, गंगा भी बनाएगी, ब्रह्मपुत्र भी बनाएगी। क्यों? क्योंकि दूरी भी ज्यादा तय करते हैं, तो इनके पास ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे तो जो इनके अंदर एल्यूमिनियम है या मिट्टी बोलते हैं वो ज्यादा होगा, ठीक। और जब ये गिरने वाले होते हैं ओशियन वाटर में, तो इनका स्पीड ज्यादा डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्लो। तब ये अपने अंदर जो इनका जो पे लोड होता है, जो वजन होता है, वो उसको क्या करेंगे, डिपोजिट कर देते हैं, तो क्या बनता है, डेल्टा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, फिर यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ एज एलुवियल सॉइल इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, फर्स्ट इज द खादर, सेकंड इज द बांगर। खादर का मतलब न्यू, मान लो समझो आप एग्जांपल से समझो, मान लीजिए मेरा अभी जहां हम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हम लोग का जो क्षेत्र है ना, हर साल फ्लड से डूब जाता है, बाढ़ आएगा ना तो अगल बगल चारों तरफ वाटर हो जाता है, तो अब वो क्षेत्र जो बाढ़ से हर साल डूब जाता है, वहां तो हर साल नया मिट्टी हो जाएगी, तो आप उसको बोलते हो खादर। क्या बोलोगे, खादर, बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर न्यू एल्यूवियम इज डिपोजिटेड हियर। वही क्षेत्र जहां पहुंच पाता है, वहां पर फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता है, दैट इज कॉल्ड बांगर। वहां जो कंकड़ है ना, वहां जो मतलब जो मिट्टी है, उसमें थोड़े थोड़े कंकड़ मिलेंगे, ठीक है ना, वो उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है जितना ज्यादा फर्टाइल ये जमीन है। तो आप याद रखेंगे खादर दिस न्यू डिपोजिशन टेक प्लेस ईच ईयर, बांगर इज ओल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ लाइम एंड कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, लाइम होते हैं, ये प्रोडक्टिव सॉइल नहीं है। देन नाउ अब देखते हैं एलुवियल सॉइल कहां कहां मिल रहा है, उसके बेसिस पे इनलैंड एलुवियम, यानी वो इनलैंड का मतलब रिवर्स के बेसिन में देखते हैं कहां पे, इन द प्लेन्स ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। रिवर्स जो है ना, जहां जहां रिवर्स फ्लो करेंगे उनके बेसिन में जो सॉइल मिलेगा एलुवियम सॉइल, वो आपका इनलैंड एलुवियम हो गया। क्यों इनलैंड, क्योंकि जमीन के बहुत अंदर रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, वहीं पे एलुवियल सॉइल मिल रहा है। डेल्टाइज यानी जो डेल्टास बनाते हैं रिवर, उनके डिपोजिशन से जो बन रहा है, जैसे यहाँ देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा, ये रिवर्स बनाती है डेल्टा। अब हम बात करें कोस्टल, कोस्टल में जहाँ टाइड अगर करते हैं ना उस क्षेत्र में, जैसे प्लेन ऑफ गुजरात में और स्ट्रिप्स ऑफ द पेनिनसुला, ये कुछ क्षेत्र है टाइडल एरिया जहाँ पे आपको मिल सकता है कोस्टल एरिया के अंदर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। कलर देख लेते हैं, कलर की वैल्यू टाक, द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल इट वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू डीप ब्लैक, मतलब उसका कलर लाइट ग्रे से डीप ब्लैक हो सकता है। वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, अगर डिपोजिशन ज्यादा है तो थोड़ा ब्लैकिश कलर ले लेगा, कम तो कम ब्लैकिश। टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, यानी वहां जो मटेरियल है ना वो क्या मटेरियल है, किस चीज का डिपोजिशन हुआ है, पैरेंट रॉक की हम बात कर रहे हैं, जो जिसे टूट के ये सॉइल आया है वो किस, उसका बनावट क्या था, अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक, अगर वो ग्रे होगा तो ब्लैक बनेगा। पैरेंट रॉक यानी जहां से रिवर्स आ रहे हैं उनके वे में, पाथ में कौन सा रॉक है, वो इस पे भी निर्भर करता है। और अगला है आपका टाइम टेकन, कितना ज्यादा समय का फॉर्मेशन उसको फॉर्म होने में लगा है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एलुवियल सॉइल, यानी साइज की बात करें तो देखो आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप माउंटेन्स एरिया से चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर माउंटेन ये प्लेन हो गया, तो यहाँ से जो रिवर निकलेगी तो इसका स्पीड अभी ज्यादा होगा, सो इट विल कैरी कोर्सर सॉइल, मतलब यहाँ से जो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, तो वहां स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर जो कंकड़ या पत्थर मिलेंगे ना उसका साइज बड़ा होगा, मिट्टी ही मिले उसका साइज क्या होगा, बड़ा। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो वो उसको इजिली कैरी आउट कर लेती है।
अब मान लो बुलीवर बहुत दूर चल के आए तो उसके पास स्पीड कम होगा और उसके पास जो कैरी आउट करने की क्षमता है वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी, इसलिए वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैरी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ओरिजिन यानी जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे ड्राई कोर्स पोरस एंड सैंडी, ये सूखा होगा। क्यों? क्योंकि वहां साइज बड़ा होगा तो वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको ज्यादा वाटर रिटेन उस वाइज नहीं कर पाएगा। पोरस होगा सैंडी होगा, ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं जहां से रिवर आ रही है। मान लो अगर वो रिवर बहुत काफी दूर तक चल के प्लेन पे आई तो वहां पे छोटे छोटा साइज यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट होगा और मोर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी क्योंकि यहाँ सॉइल का जो पार्टिकल है उसका साइज छोटा होगा। लेकिन अगर ओरिजिन की बात करें तो वहां पे क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, पोर्स होंगे, इट विल बी नॉट एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर। लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। देन साइज मान लो बड़ा बड़ा अगर होगा तो इजिली वाटर नीचे सोक कर जाएगा, परगुलेट कर जाएगा। अगर पार्टिकल छोटा छोटा है तो जल्दी वो परगुलेट नहीं करेगा क्योंकि जो दो सॉइल पार्टिकल होंगे उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा। आगे यहां से क्वेश्चन हो सकता है, रिच यानी वो एलुवियल सॉइल इज रिच इन आयरन मैग्नीशियम पोटाश एंड लाइम, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस चीज की कमी है, इट लैक्स नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस एनपीके हमने बताया था आपको, उसमें नाइट्रोजन एलुवियल सॉइल में नहीं होता है और ह्यूमस एक्सेप्शन है, हमारी गंगा प्लेन में जो सॉइल है उसमें ये ह्यूमस मिलता है, ठीक। ये हो गया अगला क्वेश्चन। नाउ एलुवियल सॉइल इज लाइट एंड पोरस, हल्का होती है, लाइट है और पोरस। पोरस का मतलब उसमें मतलब सैंड की वजह से पोर्स होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ विच इट इज इजली टिलिएबल। टिलिएबल का मतलब उसको आप आसानी से प्लाव कर सकते हैं, ट्रैक्टर से प्लाव करते हैं ना फील्ड को, जोत सकते हैं खेत को, इसलिए लाइट है, पोरस है, सो इजिली टिलिएबल, ये भी वर्ड आ सकता है एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे जब इजिली से हम उसको प्लाव कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सॉइल है, सो इट सपोर्ट्स बोथ रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप, ये दोनों क्रॉप्स को सपोर्ट करती है, रबी को भी सपोर्ट करेगी और खरीफ को। देखें इसमें आपका क्या क्या फसल उगा सकते हैं, राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड, ओके। एंड कुछ जैसे अगर बात करें जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा की जो वैलीज है ना वहां पे हम जूट कल्टीवेशन भी करते हैं, जूट का जो फसल है ना उसको भी हम उगाते हैं इजिली। तो ओवरऑल ये था एलुवियल सॉइल के बारे में, आई होप अगर आपको इतना तैयार है तो एलुवियल सॉइल से क्वेश्चंस आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या रिटन कुछ भी हो। होप यू लाइक माई वीडियो, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का अधिक से अधिक फायदा ले सकें। थैंक यू, जय हिंद।